स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 6.2। बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको बहुत इजी लगेगी, अदरवाइज नहीं देखा है तो आप जाकर के फटाफट से देख लो। तो 5 टाइप्स के फंक्शन हमने यहाँ पे पढ़े थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, इक्वेशंस दी होगी और इक्वेशंस को देख के आपको ये पहचानना है, यानी शो करके दिखाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किस टाइप का फंक्शन, है ना, वो हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 3x+17 इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो जो गिवन फंक्शन है वो हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल 7 एक्सप्लेन किया था जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो किया था कि हम इसको दो मेथड से यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम मोस्टली क्वेश्चंस जो यहाँ पे, क्योंकि हम यूजेस ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारे चैप्टर का नाम है, तो हम डेरिवेटिव मैथड से ही इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो वही आपको यहाँ पे जो भी इक्वेशन दी है पहले शो करना है कि वो जो भी आपकी फंक्शन आपको दिया है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल है। कंटिन्यूस डिफरेंशियबल होगा तभी हम उसमें आगे प्रोसेस फॉलो करेंगे ना। फिर आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन को करके फिर आप देखोगे कि ये वैल्यू उसकी ग्रेटर देन जीरो आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है, इक्वल जीरो आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या दोनों ही नहीं है, है ना। तो ये मैथड हम करेंगे। तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन आपका यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस भी होता है और आपका यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन भी होता है ना। तो सीधा से हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये सारा जो फंक्शंस को हमें देखना कि ये डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और आपके जितने भी फंक्शन यहाँ पे देंगे वो आपके कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होंगे ही होंगे। तो बस आप सीधा उस फंक्शन को पहचान के और लिख दो, कुछ भी नहीं आपको उसको शो करना है, ठीक है। तो इस तरह से एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लिख देंगे जो भी फंक्शन का नाम आपको यहाँ पता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ये सारे फंक्शन के लिए हम इस तरह से लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग आर सारे रियल नंबर्स पे है या नहीं, तो ये कौन डिसाइड करता है, तो ये हमारा यहाँ पे f-x डिसाइड करता है। देखो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी यहाँ पर, ये यहाँ पे, ठीक है। अगर f-x ग्रेटर देन जीरो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन इक्वल भी आ जाता है जीरो के तो ये ओनली इंक्रीजिंग है ना, दो बातें हो रही तो इंक्रीजिंग, और अगर लेस देन जीरो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस देन इक्वल जीरो तो डिक्रीजिंग, और अगर इक्वल जीरो आ जाता है तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, मीन्स कि नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। तो ये इसीलिए हमें किससे पता चलेगा फंक्शन कैसा है, तो f-x से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे f-x को कैलकुलेट करते हैं। तो नाउ f-x यानी कि क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मीन्स डिफरेंशिएशन करना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद तो आप समझ जाओगे क्या करना है। तो d बाय डी एक्स ऑफ कितना हो गया, 3x प्लस आपका 17 हो गया। तो ये हमने निकाला यहाँ पे f-x, तो ये d बाय डी एक्स दोनों के पास जाएगा, 3 बाहर आ गया, d बाय डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पे हो गया x, और फिर आपका d बाय डी एक्स ऑफ यहाँ पे कितना हो गया, तो 17 हो गया। फिर आप यहाँ पे देखो f-x इक्वल टू 3 हो गया, d बाय डी एक्स ऑफ x क्या होता है, तो 1 होता है, और d बाय डी एक्स ऑफ 17 कितना होता है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो f-x यहाँ से आपका कितना आ गया है, 3 आ गया। और हमें पता है क्योंकि अब ये जो f-x आया ना, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, जैसे यहाँ पे f(x) जो था वो x पर डिपेंड है। आप x की जगह वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, क्योंकि हम रियल नंबर पुट करें, 3 रखो, 4 रखो, तो ये यहाँ पे वैल्यू आपको पॉजिटिव भी दे रहा है, नेगेटिव भी दे रहा है ना। अगर मैं x की जगह पे माइनस का 20 रख देती हूँ तो ये माइनस का 60 हो जाएगा, और माइनस के 60 में से 17 गया तो आपको नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पे दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हमने f-x को निकाला है तो ये बिल्कुल क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसी भी, कोई वेरिएबल ही यहाँ नहीं आ रहा, तो ये किसी के ऊपर भी डिपेंड ही नहीं है। आप इस x की जगह पे सारे रियल नंबर्स पुट कर दो, f-x आपका हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया ना, किसी के ऊपर आपका डिपेंड नहीं रहा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, इंडिपेंडेंट ऑन x हो गया, x के ऊपर ही अब आपका डिपेंड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये 3 है, अब ओनली यहाँ पे 3 को देख करके बताओ क्या ये ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, या इक्वल जीरो है। तो ऑब्वियसली ये 3 जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारा यहाँ पे f-x क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। तो 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ f-x ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है,
ठीक है, तो हमने लिख दिया एफ डैश एक्स जो है हमारा जीरो से बड़ा आ रहा है। ये सिंपली आपको नंबर देख के पता चल जाएगा, नेगेटिव होगा तो लेस देन जीरो होगा, इक्वल होगा तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो हमने लिख दिया कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए जो एफ डैश एक्स है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो है। तो इसीलिए एफ जो हमारा फंक्शन, जो फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर पे। आप आर की जो मर्जी चाहे वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इसकी एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न समझ में यहां पे आ गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है, आंख बंद करके लिख देना जो भी फंक्शन आपको यहां पे दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इन तीनों में से क्या चीज यहां पे फुलफिल हो रही है। अभी दो और है, इक्वल वाली भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे देख लेंगे कि ये किस टाइप का इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या दोनों ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ई पावर टू एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर, है ना। तो R यहाँ पे x की जगह पे आप R में से रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हो, तो ये फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है किसके अंदर, ऑन R के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे सीधा का सीधा लिख देना। अब वही हमें इंक्रीजिंग शो करना है, तो दैट मीन्स कि एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वही हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो एफ डैश एक्स यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ e की पावर कितना हो गया, 2x हो गया। ये इधर लिखा, ये बाद में समझाती हूँ। तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे आपका x ना होकर के क्या है, 2x है। देखो ये d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तब आगे डिफरेंशिएशन नहीं होता है, बट यहाँ पे तो ये है तो इसीलिए 2x है, इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ आपका 2x होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 2 तो आ जाएगा आगे और यहाँ बच जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ x बच जाएगा, तो d बाय डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपका आंसर है 2e की पावर 2x है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब आपको यहाँ पे अब नंबर तो है नहीं भाई, 3, 4, 5 आ रहे थे तो हम कहते थे भाई ये ग्रेटर देन जीरो है। अब सारा वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, ये तो आपका ग्रेटर देन जीरो, अब ये भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जब मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि ये जो e है ये हमेशा इसकी रेंज होती है, ये 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू आती है। आप इस x की जगह पे रियल नंबर में से कोई भी यहां पे पुट कर दो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, कुछ भी यहां पे पुट करो, इस e की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2.71 यहां पे 8 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप यहां पे देखो, अगर मैं e की जगह पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखती हूँ, जैसे e पावर 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तब तो ठीक है। अगर e की पावर मैंने नेगेटिव में यहां पे कर दी, नेगेटिव 2 हो गई, तो हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव को नीचे ले जाते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब जब इस अगर ये चीज आपको यहां पे याद है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी आपकी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब जो हमारा एफ डैश एक्स है वो यहां पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां लिखेंगे हियर टू ई की पावर 2x इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x belongs to R। तो जितने भी real numbers हैं उन सब के लिए ये value क्या है, यहाँ पर greater than zero। तो इसका मतलब क्या हो गया, f is strictly increasing function, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना। चलो थर्ड क्वेश्चन देखें। अब यहां से हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल 0 to π/2 ओपन इंटरवल, डिक्रीज कर रहा है π/2 से π ओपन इंटरवल, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π इंटरवल। तो पहले हम देखें भाई ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या ये है, तो उसके लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि पहले आप एफ डैश एक्स को कैलकुलेट करके आओ कि वो यहाँ पर कितना है ना। एफ डैश एक्स से ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, फिर हम इंटरवल की बात करेंगे, पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। नाउ एफ डैश एक्स यानी डी बाय डी एक्स ऑफ किसका, फंक्शन का, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या है हमारा, यहाँ पर साइन एक्स है। तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका यहाँ पर कितना हो गया, कॉस एक्स आ गया। यानी कि हमने क्या देखा कि एफ डैश एक्स जो है वो मेरा यहाँ पर कॉस एक्स आ रहा है। अब हम यहाँ पे इंटरवल की बात करते हैं ना, ए वाला पार्ट हम यहाँ पे लेते हैं, इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 दिखाने के लिए कि भाई ये हमारा, जैसे हमने यहाँ पे ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बना दिए, तो यहाँ जीरो होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ आपका पाई होता है, और यहाँ पे आपका कितना होता है 3π/2। तो ये आपका यहाँ पर हो गया।
तो हमें दिखाना है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पे जीरो और पाई बाय टू इंक्लूड नहीं है ना, इनके बीच में जितने भी यहाँ पर एंगल आते हैं उसके अंदर ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो हमें ये दिखाना है कि इस क्वाड्रेंट में जो है वो आपका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। भाई अगर आपका जीरो से पाई बाय टू में इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब आप इसके बीच में जितनी भी एंगल यहाँ पे पुट कर लो इस एक्स की जगह पे, आपका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी एंगल ले लो जीरो टू पाई बाय टू के अंदर, तो सारे एंगल यहाँ पे क्या, सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इंक्रीज करेगा, कोई भी यहाँ पे डिक्रीज नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे फिर, ठीक है, तो हम लिख लिया कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई बाय टू, हमें पता है कि एफ डैश एक्स जो होगा वहां पे ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, जीरो। आपने फिगर बना के समझा दिया, आपके एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इस इंटरवल में आपका कॉस एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स जो आपका फंक्शन दिया हुआ है वो आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये नहीं, जो एफ एक्स है वो आपका यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में। अब नेक्स्ट आपको शो करना है कि पाई बाय टू से पाई में इस वाले इंटरवल में ना ये आपका यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग है। तो मैं इसको रेड कलर से बनाती हूं। तो हमारा ये ओपन इंटरवल है, तो यहां पे पाई बाय टू और पाई इंक्लूड नहीं है, तो इसको इंक्लूड यहां पे क्यों नहीं किया, क्यों? अगर आप यहां पे देखोगे तो कॉस जीरो हमारा क्या होता है, कॉस जीरो तो आपका वन होता है, तो वन तो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, पाई बाय टू रख लें, तो पाई बाय टू रख लोगे तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय टू कितना हो जाता है, कॉस पाई बाय टू आपका यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो के साथ साथ इक्वल जीरो भी हो जाएगा, तो फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना रह के ओनली क्या रह जाएगा, इंक्रीजिंग रह जाएगा। इसीलिए हमें इनको ओपन इंटरवल कहा है कि ये दोनों इंक्लूड नहीं है। फिर आप डिक्रीजिंग में देखो तो कॉस पाई बाय टू कितना होता है, जीरो होता है। और अगर आप यहाँ पे हम कॉस पाई देखें तो क्या होता है, माइनस वन। अगर यहाँ पे देखो इसको सब अच्छे से समझो, कॉस पाई बाय टू कितना होता है, तो आपका यहाँ पे जीरो होता है, और कॉस पाई कितना होता है, तो कॉस पाई आपका यहाँ पर माइनस वन होता है। अब डिक्रीजिंग के लिए हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि एफ डैश एक्स जो है वो आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे अगर पाई बाय टू रख देंगे, अगर हम इसको क्लोज इंटरवल दे देते तो पाई बाय टू आपका क्या होता है, जीरो, तो ये तो इक्वल जीरो हो गया। और यहाँ पे तो चलो आपका सेट हो रहा है, आपका लेस देन जीरो होना चाहिए तो ये ठीक है, बट यहाँ नहीं होता, तो ये स्ट्रिक्टली आपका यहाँ पर क्या नहीं बनता, डिक्रीजिंग नहीं बनता। तो पाई बाय टू से पाई आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट है, और इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपको पता है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है इसमें। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या देखा, इस वाले इंटरवल के अंदर हमारा कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो इसीलिए इस वाले क्वाड्रेंट में या इस इंटरवल में हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इक्वल जीरो यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये सेम वैसे लिया, और ऑल एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई बाय टू, एफ डैश एक्स आपका लेस देन जीरो आ रहा है इस इंटरवल में, तो साइन एक्स आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है इसके अंदर, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स देखना है कि वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, इनके ऊपर हमें ये फंक्शन की इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग होने का पता चलता है। चलो नेक्स्ट सी वाला, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारा जीरो टू पाई वाली लाइन है, तो इसमें आप देखो इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन आपका ऊपर ऊपर ही बढ़ते रहना चाहिए इस तरह से, है ना, नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। लेकिन और डिक्रीजिंग में क्या होता है, फंक्शन डाउन 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 जाना चाहिए। अब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मतलब ये इस तरह से आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा सा भी नहीं आ सकता। सेम ये डाउन आ रहा है, धीरे धीरे चलते चलते कॉन्स्टेंट हो सकता है, फिर नीचे इस तरह से आ सकता है, ठीक है, लेकिन ऊपर कहीं नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ये वाले फंक्शन को अगर हम देखते हैं, तो ये वाला फंक्शन हमेशा हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डिक्रीजिंग 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 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे आपका क्या जा रहा है कि ये आपका यहाँ पर इंक्रीज, लेफ्ट टू देखते ना, तो ये इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होता जा रहा है। लेकिन अगर हम जीरो टू पाई में इस फंक्शन की बात करें, तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज 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 हो रहा है। और कॉस का अगर हम यहाँ पे साइन का अगर आप इस तरह से देखोगे, यहाँ पे इस तरह से अपने ग्राफ अगर देखोगे, तो इस तरह चलता है वेव की फॉर्म में आपका, अच्छा यहाँ से स्टार्ट होगा ना, वेव की फॉर्म में आपका इस तरह से चलता है, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होके चलता रहता है। तो इसीलिए हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे,
ना तो ये इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये चारों के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए जो इंक्रीज हो के होते हो तो फिर डिक्रीज हो जाए, तो ये उन पांचों ही कंडीशन में नहीं आता। तो हम कहेंगे कि ये जो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, इसका वेव वाला ग्राफ बनता ना इस तरह से लहरें चलता हुआ, तो ये हमारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ग्राफ है इस इंटरवल में। तभी हम इंटरवल की बात करते हैं कि इस इंटरवल में ये इंक्रीज हो रहा है, और ये देखो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा था, इस इंटरवल में ये आपका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम पूरे 0 टू पाई की बात करें तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। ओके, तो इस तरह से आंसर लिखना फ्रॉम पार्ट ए एंड बी, ए ऊपर वाला बी ए वाला, वी कंक्लूड दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। व्हाई? बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई एंड डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 टू पाई। ये आपका एफ एक्स इक्वल टू किसका, साइन एक्स का ग्राफ है ना, तो ये यहां से यहां तक तो इंक्रीज हो गया, फिर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग। इस तरह से आपको अपना आंसर लिख करके देना है, और इस तरह से आप फिगर बना के दे दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये आपका यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा और स्ट्रिक्टली आपको डिक्रीजिंग पूछा है ना, यहाँ पे फुल क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो अब पुराने क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन वन की बात करूं तो आपको यहाँ पे शो करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, आप उसको शो करके दिखा, वो हमने कर लिया। फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या कहा था कि भाई आप इंटरवल आपको दे दिए थे क्या भाई, इस आप शो करके दिखाओ इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसने चेंज कर दिया कि अब आप हमको इंटरवल निकाल करके बताओ, ये जैसे आपको यहाँ दिया था ना कि भाई इस इंटरवल में शो करो ये इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, अब ये आपको यहाँ पे फंक्शन दे दिया और कह रहे कि अब वो इंटरवल ही निकाल के बताओ जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और जिसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अब हमें यहाँ पे इंटरवल निकालना है, तो यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन आपके चेंज हो जाएंगे। तो अब इंटरवल निकालना है तो आपको कहा भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखो, तो हमने पहले ले दिया कि भाई ये पॉलीनोमियल फंक्शन है, ये आपका यहाँ पर इसीलिए कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की क्या कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स आपका लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहां से हम इस एक्स की वैल्यू निकाल करके बताएंगे ना, वो इंटरवल एक निकाल करके बताएंगे कि जिसमें ये जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो वो इंटरवल हम यहां पर ढूंढ करके लाएंगे। तो पहले एफ डैश एक्स तो निकालें, तो नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन कर लें दोनों साइड, तो इधर तो हमारा एफ डैश एक्स हो गया, इधर डी बाई डी एक्स दोनों के पास जाएगा, तो 2 आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, फिर -3 आ गया और डी बाई डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पर एक्स हो गया। तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये आपका 2 हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे 2x हो जाता है, फिर -d बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब हमारा एफ डैश एक्स यहाँ से कितना आया, 2 × 2 = 4, 4x - 3 है। अब 1 by 1 हम ढूंढते हैं कि फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या एक्स की वैल्यू होनी चाहिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो हम इक्वल को हटा के यहाँ पे क्या कर दे, ग्रेटर लगा दे साइन, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स की जगह वैल्यू रख दो, तो ये आपका कितना हो गया, 4x - 3 हमारा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फिर हम जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते थे ना, अगर 4x - 3 = 0 था तो आप कैसे सॉल्व करते हो, 4x - 3 = 0 था, आप इसे सॉल्व करते थे, माइनस के 3 को उधर लेके जाते प्लस का 3, फिर आपका x हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 3/4 आ रहा। तो सेम बस आपको यहाँ बीच का साइन रखना है, अदरवाइज वैसे का वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये 4x आपका एज इट इज इधर रहा, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया, फिर ये x यहाँ पे चला गया और ये 3 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में। तो ये कह रहा है कि अगर आपको एफ डैश एक्स अपना 0 से बड़ा रखना है ना, तो आप इस x की जगह पे जो भी वैल्यू रख रहे हो वो आपकी वैल्यू 3/4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे कह रहा है। तो 3/4 से बड़ी, तो नंबर लाइन पे हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर हो गया 3/4। अब इससे बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी के लिए हम कहाँ जाते हैं, इधर जाते हैं लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आप कहाँ तक जाते हो, प्लस इन्फिनिटी तक जाते हो। तो ये आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप x की जगह पे आपको, क्योंकि आपको एक इंटरवल ढूंढ के लाना है ना, पीछे आपका आंसर इतना राइट है, बट अगर आपको एक प्रॉपर इंटरवल यहाँ पे देना है तो भाई 3/4 को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, और इन्फिनिटी को भी कभी हम इंक्लूड नहीं कर दे, तो आप ओपन इंटरवल में क्या लिख दोगे, 3/4, इन्फिनिटी, इस तरह से हम लिख देंगे। तो देयरफॉर एफ इज, यानी कि एफ यानी एफ एक्स इज इंक्रीजिंग
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 3/4 to infinity. इस इंटरवल के अंदर की जो मर्जी चाहे वैल्यू रख दो, ये हमेशा यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. चलो बी पार्ट देखते हैं. फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स जो है वो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए. एफ डैश एक्स आपका लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो लेस देन जीरो होना चाहिए, तो बस वही आप फिर से वैसे ही सॉल्व करो. एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दो 4x-3 आपका लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. बस इसी को इसको आप उधर लेके चले, माइनस थ्री इधर आके प्लस का 3 हो गया, x के बाद यहाँ 4 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड में आ गया. तो अब ये आपको कह रहा है कि x की वैल्यू, अब इस x की जगह पे वो सारी वैल्यू रखो जो 3/4 से छोटी है, तो आपका एफ डैश एक्स आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल जाएगा. तो 3/4 से छोटी मतलब 3/4 को तो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे, और 3/4 से छोटी वैल्यू हमेशा लेफ्ट में होती है. राइट में जैसे जाते रहेंगे बड़ी वैल्यू मिलेगी, लेफ्ट में छोटी मिलेगी. तो छोटी कहाँ पे जाके एंड होती है, माइनस इन्फिनिटी पे. तो इसका मतलब अगर हमें इंटरवल चाहिए तो therefore f x is decreasing इन कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3/4. ओपन इंटरवल लगा रहे क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं है. इजीली समझ में आ गया. अब देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो हमेशा नहीं इतना ईजी मिलेगा. अभी आगे क्वेश्चन देखो. तो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेम वही क्वेश्चन है, बट आपकी इक्वेशन थोड़ी यहाँ पे लेंदी कर दी, क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे आपकी बना दी है. तो वही ये फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल भी है. अब हमें वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ पे बताना है, तो वही काम हमें करना है. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपका क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स यहाँ पे लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो चलो पहले एफ डैश एक्स तो निकालें, एक काम करते हैं. तो ये आपका एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ 2x³ - 3x² - 36x+7 हो गया. तो आप यहाँ पे देखो ये आपका एफ डैश एक्स डी बाय डी एक्स सबके पास जाएगा, तो 2 × d/dx(x³) हो गया, -3 × d/dx(x² हो गया, -36 × d/dx(x) हो गया, और +7 अकेला है ना, तो यहाँ पे d/dx 7 के साथ आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो f डैश x कितना हो गया, 2 हो गया, x³ है तो ये आपका यहाँ पर कितना हो गया, 3x² हो जाएगा, और x के साथ x से आगे होगा ही नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगा. फिर यहाँ पे 3 है और डी बाई एक्स x² कितना हो गया, तो 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका x हो गया. फिर माइनस ये आपका 36 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और डी बाई एक्स कॉन्स्टेंट क्या होता है, 0 होता है. तो इसका मतलब आपका एफ डैश एक्स यहाँ पे कितना हो गया, 6x² आ गया, माइनस का 6x आ गया, और ये माइनस का 36 आ गया. ठीक है, तो आप वही हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो में वैल्यू रखनी, तो हम ये ना रख के इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, जितना हम इसको सॉल्व करके लेकर के जाएंगे उतना यहाँ सॉल्व करना इजी होगा. तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स जो है इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचा, x² - x - 6 बच गया. अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, तो हम इसको मिडिल टर्म करके बिल्कुल जितना इजी कर सकते हैं उतना कर दें. तो ये आपका 6 हो गया. मैं इसको क्या साइड में सॉल्व कर लेती हूँ ताकि मेरे पास स्पेस अच्छा खासा मुझे मिल जाए. x² - x - 6 हो गया, तो हमें 6 के ऐसे फैक्टर बनाने की माइनस करने पर क्या आए, यहाँ पर 1 आ जाए. तो 3 × 2 = 6 होता है, तो x² - 3 × 2 = 6, तो 3 - 2 आपका 1 होता है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, और x और ये माइनस का 6 हो गया. तो ये आपका x² हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 इधर से x आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस का ये आपका 2x आ गया, माइनस का 6 हो गया. फिर आपने x कॉमन ले लिया तो ये x - 3 बच गया. फिर यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये x - 3 बच गया. तो यहाँ से आपके फैक्टर क्या बन गया, x - 3 बच गया, और यहाँ से x+2 बच गया, है ना. तो इस तरह से आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर तक ले जाना है, और तब तक आपको रखना है. तो ये आपका यहाँ से कितना हो गया, x - 3 हो गया, और ये आपका यहाँ पर x+ कितना हो गया, 2 हो गया. ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे ए पार्ट पे जाते हैं कि जब फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है, कैसे पता करेंगे, वही एफ डैश एक्स को आप यहाँ पे कंडीशन होती है, वी नो दैट कि जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तभी हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो इंटरवल निकाल करके लेकर आना है कि कहाँ पे फंक्शन इन सारी वैल्यूज में एक्स की तो क्या वैल्यू थी, एक्स में तो आप सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो, तो उन नंबर्स में से कौन कौन सी वैल्यू पे ये आपका इंक्रीज हो रहा है, हमें सिर्फ वो इंटरवल निकाल करके लाना है. तो रखो यहाँ पे वैल्यू, तो एफ डैश एक्स की जगह क्या होगा, 6 हो गया,
फिर एक्स माइनस थ्री हो गया, फिर आपका ये एक्स प्लस टू हो गया, ये ग्रेटर देन आपका जीरो हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास इलेवेंथ में भी सॉल्व किया था। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो रखती हूँ तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू मेरा क्या बन गया, थ्री। और अगर मैं एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो रखती हूँ तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू। तो हमें दो ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे मिल गए, है ना, ये जो दो आपके यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं ना, तो इससे हमें यहाँ पे क्या निकालेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट निकाल देंगे। अब ब्रेकिंग पॉइंट आपने यहाँ पे निकाल लिए, अब यहाँ पे एक लंबर लाइन बना देते हैं, उन ब्रेकिंग पॉइंट को यहाँ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, थ्री कहाँ आएगा, तो थ्री को हम इधर ले लेते हैं, थ्री बड़ा है ना, बड़ा नंबर हमेशा लेफ्ट में आएगा। फिर ये माइनस टू इसके इस तरफ आएगा, लेफ्ट के अंदर आएगा, ये राइट में आएगा, ये लेफ्ट में आएगा। और इससे जब नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से, और खत्म कहाँ होते हैं, इन्फिनिटी पे। तो हमें दो ब्रेकिंग पॉइंट मिले, तो हमारी नंबर लाइन यहाँ पे कितने पार्ट में ब्रेक हो गई है, हमारी नंबर लाइन यहाँ पे हमारी थ्री पार्ट में ब्रेक हो गई, ये फर्स्ट ये आपका सेकेंड ये और थर्ड ये। अब इसमें से हम इंटरवल निकाल करके देखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड हो गया। इस तरह से हम इंटरवल निकालते हैं, हम क्लास इलेवेंथ में सीख चुके हैं। तो ब्रेकिंग पॉइंट निकालने के बाद आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। अब यहाँ पे हमें इंटरवल मिले, कितने इंटरवल मिले, तीन इंटरवल मिले, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू मिला, दूसरा माइनस टू से माइनस थ्री मिला, तीसरा थ्री से आपका यहाँ पर क्या मिला, इन्फिनिटी मिला। तो एक एक इंटरवल की वैल्यू को पुट करके आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये इसमें फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो देखो, थ्री तो हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि थ्री पुट करते ये जीरो बन जाएगा, सारा जीरो बन जाएगा, और जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पे तो आपका क्या रहेगा, ओपन इंटरवल ही रहेगा। और ये भी हम नहीं पुट कर सकते, तो ये भी आपका ओपन इंटरवल है। अब इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू आप चाहो तो पुट कर दो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चेकिंग इन थ्री टू इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, पुट कर लेते हैं हम x इक्वल टू फाइव। तो पुटिंग x इक्वल टू फाइव पुट किया, करो इसको सॉल्व। तो दिस एम्प्लाइज f डैश x आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिक्स हो गया, फिर आपका फाइव माइनस थ्री हो गया, और ये आपका फाइव प्लस टू हो गया। तो कितना हो गया, सिक्स हो गया, फाइव माइनस थ्री आपका टू हो गया, फाइव प्लस टू सेवन हो गया। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगी। भाई हम तीनों तीन पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिलेगी। तो इसका मतलब इस वाले इंटरवल में हमारे पास सारी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा इंटरवल चेक कर दें, फर्स्ट इंटरवल हमारा हो गया, दूसरा इंटरवल चेकिंग इन, माइनस टू नहीं पुट कर सकते, माइनस टू पुट करने पर ये जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई करके सब जीरो कर देगा, और ये कंडीशन ट्रू हो जाए, यहाँ पे ट्रू नहीं रहेगी। तो ये भी हम यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। तो माइनस टू से हम थ्री ओपन इंटरवल लेंगे, क्योंकि ये भी नहीं पुट कर सकते। चलो अब इसके बीच में से आप कोई भी वैल्यू पुट करो, तो सिंपली हम माइनस टू और थ्री के बीच में हमारा जीरो आता है ना, तो हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं। पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो, करो इसमें पुट हो गया, तो ये आपका सिक्स हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, आपका सिक्स हो गया, फिर आपका जीरो माइनस का थ्री हो गया, और ये जीरो प्लस आपका टू हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक हमें सिक्स मिल रहा है, एक हमें माइनस थ्री मिल रहा है, और एक हमें टू मिल रहा है। एक नेगेटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया कि ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, यहाँ पे लेस देन जीरो हो गई। तो ये लेस देन जीरो आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव आएगी ना, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, माइनस का थर्टी सिक्स है, माइनस का थर्टी सिक्स लेस देन जीरो होता है। दैट मीन्स इस इंटरवल में आपको सारी इसकी इस फंक्शन की सारी वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। आप जो मर्जी माइनस वन पुट करो, माइनस टू पुट करो, कुछ भी पुट करके देख लो, कोई एक पुट करके देख रहा है ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो इस इंटरवल में नेगेटिव मिलेगी। अब इस इंटरवल की आप यहाँ पे बात करें, मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आप कहां पे आप चेक करोगे, इंटरवल में कौन सा इंटरवल बचा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। तो ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। अब इसमें से भी कोई वैल्यू आप यहां पे पुट कर लो, माइनस टू तो पुट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस का फोर पुट कर लेते हैं। कुछ भी आप पुट करो, आपकी मर्जी है। सिक्स रखा, माइनस फोर माइनस थ्री हो गया, माइनस फोर प्लस का टू हो गया। तो करो इसको सॉल्व, ये सिक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो फोर प्लस थ्री सेवन, माइनस सेवन हो गया, और फोर में से टू गया तो टू बचा, लेकिन साइन आपका नेगेटिव आएगा। तो दो नेगेटिव मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये आपका 42 हो गया, 42 का मल्टीप्लाई अगर 2 से किया तो कितना हो गया, 84 हो गया। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ रहा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा। तो इस वाले इंटरवल में हमें क्या मिल रही है, वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो हमने यहाँ पे देख के करके बता दिया कि इस तरह से ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है, इंटरवल बनाना है, और हमने देखा कि इस और इस इंटरवल में पॉजिटिव मिल रही है, इस और इस इंटरवल में हमको नेगेटिव मिल रही है। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू एंड थ्री टू इन्फिनिटी में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे
वैल्यू मिलेगी। तो इस इंटरवल में आपका ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें से आप एक्स की कोई भी वैल्यू उठा करके उसमें पुट करके देख लो, और इस वाले इंटरवल में आपकी वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्योंकि ये जो पॉइंट है वो हम पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, इन दोनों इंटरवल के यूनियन में आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, और माइनस टू से थ्री में आपको यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, लेस देन जीरो मिलेगा। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, तो इन इंटरवल में आपका जो एफ एक्स गिवन है वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और इस इंटरवल में आपको एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, और टाइम लिमिट से बाहर जा रहा है, तो अब बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से फ्री में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।